चलो बेटा, आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, रीड एंड रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है, और जो ये नीचे लिखे गए आपके क्वेश्चंस है उसको मतलब इस क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको इस पैसेज में मिलेंगे। इस क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के, इस क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ ढूंढ के लिखना है। ओके, समझ में आया क्या करना है? चलिए, चलो सुनो सारे बच्चे, एक बार और बुक में देखिए सारे बच्चे। One day Meena plucks a mango and bring it home. एक दिन मीना नाम की एक लड़की है, उसने क्या करा? एक दिन उसने प्लक, प्लक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। किसी भी ट्री से हम या फिर कुछ भी, जैसे फ्लावर तोड़ते हैं या फिर हम लीफ वगैरह कुछ भी तोड़ते हैं तो हम प्लक वर्ड यूज करते हैं, और जो तोड़ने वाला होता है ना उसके लिए हम प्लकर यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे कि कोई डांस करने वाला होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डांसर बोलते हैं ना, ईआर लगा जाता है। सिंग जो गाना होता है उसको क्या बोल देंगे हम? सिंगर बोल देंगे। ठीक, लर्न पढ़ता है, जो पढ़ते हैं करते हैं, और लर्नर क्या हो जाता है? पढ़ने वाला हो जाता है। ठीक है, एम एस प्लक जो होता है उसको मतलब होता है, और जो प्लकर हो जाता है तोड़ने वाला। ओके, तो मीना क्या हो जाएगी यहाँ पे? प्लकर हो जाएगी। क्या मीना? प्लकर। ठीक है, तो उस मीना ने एक मैंगो को तोड़ा, एंड ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। वो उस मैंगो को अपने घर लेकर आ गई। ओके, हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही इज अ बॉय। अब एक दिन वो जो मैंगो लेकर आई थी ना, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी या नानी, हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम दादी को कंसीडर के, तो उसकी ग्रैंड मदर ने क्या करा? गिव्स द लार्जर पीस टू राजू, राजू को बड़ा पीस दे दिया। जो बड़ा वाला पीस था ना मैंगो का, वो राजू को दे दिया। क्यों दिया? बिकॉज ही इज अ बॉय, क्योंकि वो लड़का था। क्या था वो? इसीलिए उसकी दादी ने जो बड़ा वाला पीस था मैंगो का वो राजू को दे दिया। ओके, मीना प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, मीना ने विरोध किया, मतलब फॉर एग्जांपल उसने कहा होगा कि आपने बड़ा वाला उसको क्यों दिया, है ना, मैं लेकर आई थी ये, तो इस पे हक, मेरा हक ज्यादा है, तो आपने उसको कैसे दे दिया, मैं बड़ी भी हूँ, आगे बताएंगे आपको ये। ठीक है, आफ्टर ऑल शी ब्रॉट द मैंगो एंड शी इज एल्डर ऑफ द टू। क्या बोला गया है कि वो जो थी, बोल रही है मीना कि इस मैंगो को तो मैं लेकर आई थी और मैं इस राजू से बड़ी भी हूं, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। शी इंसिस्ट शी हैज अ ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर। अब उसने इंसिस्ट करा, मतलब उसने जिद करी कि उसका ज्यादा अधिकार है उस मैंगो के ऊपर। ठीक है, हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली। अब कौन आ गए? उसके पापा आ गए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मैंगो को इक्वली डिवाइड किया, यानी दोनों को बराबर से दिया। आया समझ में? एक बार और समझाऊं क्या पैसेज बेटा? समझाऊं क्या? आगे चलो, प्लग का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो फिर मीना क्या हो गई यहाँ पर? है ना, प्लकर हो गई, क्योंकि उसने मैंगो तोड़ा था। और ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा? ब्रॉट, है ना, मतलब लाई थी। ठीक है, अब देखो, और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आए हैं? लार्ज या लार्जर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, लार्जर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है मैंने, पीस किसकी क्वालिटी बता रहा है? एडजेक्टिव, वेरी गुड। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। देखो पीस क्या हो गया यहाँ पे, फिर पीस क्या हो गया? कुछ भी नाउन होगा ना, एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
है ना, लार्जर पीस। पीस क्या, पीस का मतलब क्या होता है, कोई चीज ही होगी ना, और चीज हमारी क्या होती है, नाउन होती है, तभी तो लार्जर पीस। जैसे लार्जर ब्रेड भी बोल सकते हैं, है ना, और क्या बोल सकते हैं, लार्जर कार भी बोल सकते हैं, है ना, लार्जर क्लासरूम भी। खैर इसमें तो बिगर आ जाएगा, बिग क्लासरूम आ जाएगा, है ना, बड़ा यानी इसको थोड़ा वो जाएगा। चलो इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जिद करना, वेरी गुड, है ना, इंसिस्ट करना किसी चीज को, किसी चीज के लिए इंसिस्ट करना, ठीक है। और क्या आया प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, वेरी गुड। अच्छा आप चलो ये बताओ, हु ब्रॉट द मैंगो होम, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, हु ब्रॉट द मैंगो होम, मैंगो होम, जो मीना थी वो ही मैंगो तोड़ के लाई थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई डिड मीनास ग्रैंड मदर गिव अ लार्जर पीस टू राजु, जो हाँ मीना की ग्रैंड मदर ने जो लार्जर पीस यानी जो बड़ा पीस जो था वो राजू को क्यों दिया था, यस बिकॉज ही वाज अ बॉय, वेरी गुड। अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए है, हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर प्राइज, आपको क्या लगता है किसको लार्जर प्राइज मिलना चाहिए, मीना को चलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, मीना को, इक्वली तो देते ना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप बताइए कि भाई किसको लार्जर, कौन ज्यादा उसके हकदार था, को तोड़ कर लाई थी। ओके चलिए आया समझ में ये पैसेज, सबको आ गया समझ में, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा।